हेलो दोस्तों, गार्डनिंग विद जगत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ये कॉर्नफ्लावर के पौधे दिखा रहा हूँ। मैंने लगाए ये, इसको सितंबर या अक्टूबर में बोया जाता है। सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट में इसको बोया जाता है। दोस्तों, अभी मैं इसके जो सीड्स इसमें जो निकलेंगे, ये पुराने इसके फूल है, ये सूख गया है। इसमें से जब सीड्स निकलेंगे तो मैं इसकी जो सीड्स कलेक्ट करूँगा वो भी आपको दिखाऊँगा अगली वीडियो में। उस वीडियो को मैं स्टार्टिंग से और एंड तक, जब पौधा इतना बड़ा हो जाता है तब तक मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये इसमें काफ़ी वैरायटीज होती हैं, काफ़ी कलर होते हैं इनके। वैसे ये जो ब्लू कलर का जो होता है फ्लावर, ये बहुत कम मिलता है। आप कहीं भी देख लेना, जो ब्लू कलर का होता है, कोई भी पौधा हो, ब्लू कलर का फूल बहुत कम मिलता है मार्केट में। अभी मेरे पास में एक ये ब्लू कलर है, एक आप देख रहे होंगे, देखिए ये इसका गुलाबी कलर है मेरे पास, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, मैंने ज़्यादातर अपने गमले ये पौधे जो पॉलीबैग में ही लगा रखे हैं, आप देख रहे होंगे, ये गमला भी है मेरे पास, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने अपने लगा रखे हैं ये सब पॉलीबैग में ही लगा रखे हैं। आप देख रहे होंगे इसका रिजल्ट, ये देखिए, ये मैंने ये दीवार पर रख रखे हैं इस तरीके से। इसमें कोई ख़ास खर्चा नहीं होता है, पॉलीबैग में लगाओ और आराम से रख दो उसको, उससे आप ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं, खर्चा बिल्कुल भी नहीं आता उसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैंने अभी दिखाया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल गार्डनिंग विद जगत चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी और नेक्स्ट वीडियो में।